हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आपको बताऊंगा एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम इसका क्या होता है, देखो एनालिसिस करते हैं। मान लो कि ये अपने कोई बीम है, ठीक है, ये आ गया। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, ये कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है, देखा यही है ना। ये है जो क्या है, ये है स्मॉल डी और ये है जो कैपिटल डी, समझ गए ना। अब इस स्मॉल डी में ये पूरी है जो कैपिटल डी है, समझ गया ना, और ये स्मॉल डी है। इस कैपिटल डी में से ये स्मॉल डी घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, समझ गया ना। और ये एक्स यू की वैल्यू ये है, इसको एक्स यू की वैल्यू मानते हैं। ये बी आ गया विड्थ, सॉरी ये बी विड्थ आ गया, समझ गया ना। और ये डी डेप्थ आ गया, ठीक है। अब इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो देखिए इस टाइप से बनेगा कुछ। तो ये एक्स यू है ना, एक्स यू ये, और ये टोटल डी है, डी में से एक्स यू घटा देंगे, टोटल डी है इसमें से एक्स यू घटा देंगे, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, समझ गए ना, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आएगा 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002। ये स्ट्रेन डायग्राम हो गया। अब बनाते हैं अपन स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम क्या, जो वैल्यू आई है वो डी माइनस 0.42 एक्स यू से घटा देंगे, समझ गए ना। ये लीवर आर्म है और ये यहाँ पे सी यू की वैल्यू यहाँ तक है और इसकी आ गई 0.446 एफ सी के, समझ गए ना। अब देखो इसका रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स ये कैसे आता है। इसका सूत्र होता है सी यू इक्वल टू 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी। जो सारी चीज़ें अब मैंने आपको समझाया कि ये कि एक्स यू क्या है, बी क्या है, एफ सी के क्या है, सारी कुछ है ना। बस अब आपको और आपके क्वेश्चन के अंदर, आर टी के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ फॉर्मूला ही काम आएंगे। या तो आप इनको याद कर लो, सबसे बेटर है, ताकि वहाँ पे कोड देने तक आप वेट करना नहीं पड़े और हम सबसे पहले कर सके क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, आगे क्या है, रिजल्टेंट टेंशन फोर्स। अब इसका रिजल्टेंट टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र होता है टी यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। ए एस टी जो अपन याद करेंगे, ए एस टी क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील होता है, एस टी, समझ गए, एरिया ऑफ स्टील। अच्छा, फिर क्या याद करें, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस याद करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्स यू याद करेंगे। एक्स यू क्या डिटरमाइनिंग बाई इक्वल ऑफ फोर्स, सी इक्वल टू टी होता है इसके अंदर, सी और टी दोनों मतलब कंप्रेशन जोन इक्वल टू टेंशन जोन, समझ गए ना। अब ये सीधी टर्म होती है, ठीक है। अब इसको इस टाइप में बनाते हैं तो आप सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो सीधा फॉर्मूला ये कर लो, एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाई डी इन बोथ साइड। इस इक्वेशन को बोथ साइड से डी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक्स यू अपॉन डी इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू डी, ठीक है। तो ए एस टी बटा डी क्या बन गया, पी टी। पी टी मतलब अभी बताएंगे, परसेंटेज ऑफ है कुछ है ना, पी टी बन गया, पी टी आ जाएगा, ठीक है। ए एस टी अपॉन डी पी टी हो गया। तो ये देख लो, इसको मल्टीपल कर दिया। अच्छा, ए एस टी अपॉन डी का बराबर होता है पी टी के बराबर होता है, तो यहाँ पी टी से गुणा कर दिया, समझ गए ना। तो पी टी क्या है, देखो रेनफोर्समेंट रेशियो है, रेनफोर्समेंट रेशियो या फिर स्टील फैक्टर कह सकते हैं आप इसको, या तो रेनफोर्समेंट रेशियो कह दो या फिर स्टील फैक्टर कह दो। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं अब आपको आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। थैंक यू।